Hello everyone and welcome back once again in another session of macroeconomics। देखें हम macroeconomics में aggregate demand के concept को last session में समझ चुके हैं। I hope कि आपने वो समझ लिया। आज जो हम discuss करने वाले हैं वो है aggregate supply का concept। मैंने आपको बताया है कि आपकी बुक में आपको ये 3 to 4 chapters दिखेंगे और मैं आपको ये चैप्टर्स जो है वो टॉपिक वाइज कवर अप करवाऊंगी आफ्टर मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर। तो चलिए आज हम समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड हमने समझा था कि पूरी की पूरी एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान टोटल सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड की जा रही है, जिसे हमने जो स्टडी किया तो हमने कंपोनेंट्स में भी फाइंड आउट किया कि एग्रीगेट डिमांड को C+I यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स, ऑल्दो हमने और भी देखे थे लेकिन बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स में हमने एग्रीगेट डिमांड को सीमित किया था। आज हम देखेंगे कि ये एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई refers to the monetary value of the final goods and services। देखो जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को मतलब सम बेसिक कंसेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था तो हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के एक डिफरेंस को क्लियर किया था, जिससे आपको तभी क्लियर कर दिया गया था कि जब भी हम इकोनॉमिक लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर स्टडीज करेंगे तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही, मॉनेटरी वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता होता है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को बीच में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो डबल ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी एक ही प्रोडक्ट की, एक ही सर्विस की। तो इसीलिए हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर किया जाता है। ये कंसेप्ट आपको तभी क्लियर आउट कर दिया गया था। तो यहां पर अब आपको ऐसा ही कुछ बता रखा है कि एग्रीगेट सप्लाई वो है जिसमें हम फाइनली एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक इकोनॉमी में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर MRP होती है, तो उसकी उस मॉनेटरी वैल्यू को हम जब स्टडी करेंगे तो दैट विल बी नोन एज, दैट सम टोटल विल बी नोन एज एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई। अब इसे नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो अगर मान लो कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, उसका MRP 10 रुपए का है। अब एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस फिक्स करता है वो उस पर्टिकुलर प्राइस में जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ऐड कर देता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर देता है। तो दैट मीन्स हम एज अ प्रोड्यूसर जो रेंट पे करेंगे, जो लेबर को वेजेस पे करेंगे, जो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेंगे, जो एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट का शेयर होगा, वो सब कुछ इस MRP में, इस मॉनेटरी वैल्यू में जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की होगी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो इट इज एक्चुअली द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज पेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो ये सब बातें जो हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक प्रोड्यूसर जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है, पहले बनाएगा ना फिर ही सप्लाई करेगा ना, तो जब बनाता है तो वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है और जब वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करता है तो वो बदले में हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ पे करता है। अब जिसको रेंट मिलेगा उसके लिए वो रेंट इनकम बन जाएगी, जिसको वेजेस मिलेंगी उसके लिए वो वेजेस इनकम बन जाएंगी, जिसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम बन गया और जो एंटरप्रेन्योर या जो मालिक है उसे उसका प्रॉफिट वाला हिस्सा एक इनकम की फॉर्म में मिल जाएगा। तो जब सभी के द्वारा ये की जाने वाली पेमेंट्स एक इनकम की फॉर्म में ऐड कर ली जाएंगी तो बन जाएगी ना ऑटोमेटिकली ये नेशनल इनकम। अगर हम इसी सेम चीज को टोटल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अब बेसिकली जो बात उभर कर आती है वो क्या है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, मतलब प्रोडक्शन की जाती है डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उस सम टोटल को हम बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर कि वो किस तरीके से इनकम के साथ रिलेटेड था। हमने बोला था कि अगर इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन रेट का थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर क्या है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है वो क्या है, ये किसके साथ रिलेटेड है। द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स मेनली। दो फैक्टर्स हैं मेनली। देखो सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, तो यहाँ पर भी ना ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव नहीं, आपको सिंपली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया गया है कि एक तो आप ये मानकर चलो कि अगर हम शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं, अब फिर से मैं कहूंगी हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ये कुछ कंसेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं। हमने ये देखा था कि शॉर्ट रन में हमें हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज को ही यूज करना होता है, उन्हीं की प्रॉपर या मोर यूटिलाइजेशन करनी होती है, क्योंकि समय का स्पैन, टाइम स्पैन बहुत ही थोड़ा है, हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो तो है मोर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट रिसोर्सेज, और दूसरा जो इफेक्ट करता है एग्रीगेट सप्लाई को वो बन जाता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, या जैसे हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि जैसे जैसे तकनीक में बदलाव आएंगे वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई में भी इंक्रीमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड में टू डिफरेंट थॉट्स देखी थी, टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स देखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से ही एग्रीगेट सप्लाई के केस में भी हम क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई उभर कर आती है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम देखेंगे केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, देखो जो परंपरावादी यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमेशा एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन्ड होता है। वो कहते हैं कि हमेशा एक देश में, एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव्ड होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा प्राइस लेवल के कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव है कि मतलब एएस हमेशा कांस्टेंट रहता है, पैरेलल टू ओवाई एक्सिस रहता है, प्राइस लेवल चाहे जो मर्जी हो। तो इसलिए इस केस में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो इस तरह की पैरेलल टू ओवाई एक्सिस हमारे पास एक कर्व की फॉर्म में उभर कर आता है, जिसमें हम ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल्स को शो करते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट या इनकम शो करते हैं। अब ये पैरेलल ही क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये कहा गया है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो इसे तो और बढ़ाया नहीं जा सकता, एम्प्लॉयमेंट तो ना बढ़ाई जा सकती है ना कम की जा सकती है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑलरेडी है इकोनॉमी में। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रेमवर्क एग्रीगेट सप्लाई कुछ इस तरह की नजर आती है। लेकिन अब अगर हम बात करें केन्जियन फ्रेमवर्क की तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, देखो केन्स के अकॉर्डिंगली, लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। क्लासिकल वालों ने तो कहा कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है इकोनॉमी में, देयर इज अ चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये कहते हैं कि हाँ चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही रहे, हो सकता है कि कुछ बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इकोनॉमी में पाई जाए। तो इसलिए होता क्या है, शॉर्ट रन में जब हम प्रेजेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का ही यूज कर पाते हैं तो जो सप्लाई होती है ना वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड लेबर को जब हम अपनी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, तो जब हम उनका ज्यादा इस्तेमाल कर कर उन्हें ज्यादा एम्प्लॉय कर कर यूज करते हैं टुगेदर विद दी प्रेजेंट रिसोर्सेज, तो ही सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है। तो 10 AS increases in proportion to the increase in the employment level। मतलब unemployment है, उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया ना, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाएगा तो क्या होगा, तो सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारा एएस कर्व जो है वो केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली उभर कर आता है, जिसमें बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बेरोजगारी है तो यहां से देखो हमने फिर से वही क्या किया है, सिर्फ OY एक्सिस पर हमने एग्रीगेट सप्लाई शो किया प्राइस लेवल की बजाय, और यहां पर OX एक्सिस पर फिर से वही इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल को ही शो किया गया है। एक ही चीज मानी गई है ये मैक्रो लेवल पर। तो यहां पर क्या कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो मान लो यहां थे, बेरोजगारी थी, हमने रोजगार दिया, रोजगार मिला लोगों को, तो जैसे जैसे रोजगार मिला लोग काम करने लगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ने लगी, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये एक 45 डिग्री के एंगल पर बनाया गया है। जनरली 45 डिग्री का एंगल ही बोल देते हैं, नहीं तो अदरवाइज सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता है। लेकिन जब एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेट्स सपोज यहां पर एक फुल इक्विलिब्रियम लेवल आ गया, तो यहां तक OL मान लो ये है, तो यहां पर जब पहुंच जाएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाएगा, और उस वक्त जो एएस कर्व है वो पैरेलल हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब उस केस में क्या होता है, जब एम्प्लॉयमेंट और आगे नहीं बढ़ सकती है, सप्लाई दैट मीन्स और नहीं बढ़ सकती है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी लेबर काम करने में लगी हुई है, बस वो उतनी ही प्रोडक्शन अब रह सकती है मार्केट में, तो उस केस में क्या होता है, जब लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं उस केस में सिर्फ प्राइस राइज होता है, जनरल प्राइस लेवल अप जाता रहता होता है, क्योंकि उस वक्त सप्लाई को तो और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, वो उतना काम कर रहे हैं और गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा गुड्स और प्रोड्यूस नहीं की जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको दोनों फ्रेमवर्क्स का बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अब एक लास्ट चीज कवर अप करते हैं, विच इज रिगार्डिंग दी कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसे हमने अभी अभी भी डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड C+I के बराबर होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर होता है। देखो बहुत ही आसान है, मैंने अभी अभी आपको जब ये सेशन स्टार्ट करवाया है तो मैंने आपको बोला है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें तो इनकम को या तो लोग कंज्यूम कर लेते हैं, अब कंज्यूम कैसे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर कर, ठीक है, या लोग उसे सेव करते हैं, मतलब जितनी इनकम, सपोज इफ आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उस 10,000 रुपीज में मैं कंजम्पशन भी करूंगी या कुछ पैसे सेव कर लूंगी, इसके अलावा और कुछ थोड़ी ना हो सकता है। तो इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है वो C प्लस S के बराबर होता है, जिसमें C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करता है और S जो है वो सेविंग को डिनोट करता है। क्यों है? क्योंकि ये रीजन आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो आई होप कि आज का भी जो हमारा ये सेशन रहा जिसमें हमने एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट को डिस्कस किया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।